हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक कहानी जिसका नाम है चतुर राजा। राजा कालहेतु एक कर एम लालची राजा था। बहुत बड़ा लालची राजा था। उसने सभी पड़ोसी राज्यों पर लड़ाई करके आक्रमण करके उन सबको पराजित कर दिया था। लेकिन उसकी नजर में एक और राजा था जिसका नाम उदयमान था। वह उदयमान को पराजित करने में असफल रहता था। तभी उसने एक चाल चली। उसने ये सोचा, उदयमान को बंदी बनाने के लिए राजा कालहेतु ने ये सोचा कि वह उदयमान को अपने महल में भोजन पर आमंत्रित करे। राजा उदयमान ने उसका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही राजा उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, राजा उदयमान को ये समाचार मिले कि उदयमान शायद ना आए। पर उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ये लगा कि शायद वो डर गया है। तभी भी उसने सोचा कि मैं इंतजार करता हूँ। पर ये क्या, उसको ये लगा था कि राजा नहीं आएगा, पर राजा आ गया। जब राजा उदयमान राजा कालहेतु के महल में पहुंचा, तो उसे बंदी बना लिया गया। अब राजा के हेतु अपने एकमात्र दुश्मन को बंदी हो सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपने ऊपर अत्यधिक गर्व महसूस हुआ। वह यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि भले मैंने छल का सहारा लिया है, लेकिन अब मेरा कोई शत्रु नहीं रहा। अब उसे किसी का भी भय नहीं था। तभी अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया उसके पास और बोला, महाराज महाराज, राजा उदयमान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है वह राजा उदयमान नहीं है, बल्कि राजा उदयमान का भेजा हुआ बहरूपिया है। उदयमान की इस बुद्धि में विजय हुई। फिर उसने कालहेतु से दूसरे राज्यों के राजाओं को आजाद करने के लिए कहा और उसे उन राजाओं को आजाद करना पड़ा। देखा दोस्तों, कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।